कोरोना संक्रमित लोगों के ब्लड सैंपल की एक चौंकाने वाली स्टडी सामने आई है। इस स्टडी में सामने आया है कि ब्लड ग्रुप ए बी और आरएच प्लस के लोग कोविड-19 संक्रमण के लिए अति संवेदनशील होते हैं, वहीं जबकि ओ बी और आरएच ब्लड ग्रुप के लोग कोविड-19 संक्रमण के लिए कम संवेदनशील होते हैं। वहीं स्टडी में ये भी सामने आया है कि रक्त समूहों और रोग की गंभीरता के साथ साथ मृत्यु दर के लिए संवेदनशीलता के बीच कोई संबंध नहीं है। ये स्टडी फ्रंटियर्स एंड सेलुलर एंड इन्फेक्शन माइक्रोबायोलॉजी 21 नवंबर के संस्करण में प्रकाशित हुई है। इस स्टडी को राजधानी दिल्ली में मौजूद सर गंगाराम अस्पताल के डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन ने किया है। गंगाराम अस्पताल की डॉक्टर रश्मि राणा ने बताया है कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 का एक नया वायरस है। ब्लड ग्रुप का कोविड-19 जोखिम या प्रगति पे कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं, इसलिए हमने इस अध्ययन में एबीओ और आरएच ब्लड ग्रुप के साथ कोविड-19 की संवेदनशीलता, इसके निदान और रिकवरी में लगने वाले समय और मृत्यु दर की जाँच की है। ये स्टडी 2586 कोविड-19 संक्रमित मरीजों पर की गई है, जिन्हें 8 अप्रैल 2020 से 4 अक्टूबर 2020 तक सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं डॉक्टर विवेक रंजन ने बताया है कि बी प्लस पुरुष रोगियों को महिला रोगियों की तुलना में कोविड-19 का खतरा अधिक है। ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ए बी को 60 वर्ष आयु वर्ग के रोगियों में संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील पाया गया है। डॉक्टर विवेक बोले, हमारे अध्ययन में ये भी पाया गया है कि ब्लड ग्रुप ए और आरएच प्लस के मरीजों में रिकवरी अवधि में कमी पाई गई है, जबकि ब्लड ग्रुप ओ और आरएच माइनस में रिकवरी अवधि में वृद्धि मिली है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।